हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? चलना भी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजेनिक एसिड का वीडियो नंबर 7। हम लोग इससे पहले क्या क्या कर चुके थे? वीडियो नंबर 1 में हम लोग किए थे एल्डिहाइड कीटोन का नेमिंग। 2nd, 3rd, 4 में हम लोग क्या किए थे? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। 5 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन, किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। वीडियो नंबर 5 में हम लोग क्या किए थे? हम लोग वहां पे किए थे केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक पूरा कंप्लीट रिएक्शन था जो हम लोग किए थे। 6 में क्या किए थे? एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल रिएक्शन का रिडक्शन। और आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन का ऑक्सीडेशन। ये भी एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन उनमें क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब हम लोग कैसे एक एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यहां पे आप समझिए, आप किसी एक एल्डिहाइड को इजिली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। किसमें? कार्बोजिलिक एसिड में। किसमें? कार्बोजिलिक एसिड में। लेकिन एक कीटोन को ऑक्सीडाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। किसे? कीटोन को। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहां पे क्या होता है जब हम लोग कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं। कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेना होगा, और सेकंड विगोरस कंडीशन लेना होगा, मतलब हाई टेम्परेचर लेना होगा, तब जाके आपको कार्बोजिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, जो आप कीटोन से जो आपको एसिड मिलेगा वो लेस नंबर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड होगा इन कंपेयर टू कोरस्पॉन्डिंग कीटोन। मतलब कीटोन में जो आपका नंबर ऑफ कार्बन होगा और जो आपको एसिड मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा। वहां पे कहीं पे भी ब्रेक हो जाता है, बहुत ही कम नहीं, वहां पे कम मिलेगा। कैसे, उसे थोड़ा समझते हैं। समझिए, मान लीजिए आपको एक कीटोन दिया हुआ है, देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है। आप इसे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो यहां पे होता क्या है, आप इसे नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3। तो कार्बोजिलिक एसिड मिलता है कीटोन में, लेकिन यहां पे क्या होता है, बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप जो है, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, इसके किसी भी साइड में ब्रेक हो सकता है। ये यहां पे भी ब्रेक हो सकता है और यहां पे भी ब्रेक हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट क्या मिलता है। जब क्लीवेज होगा, क्लीवेज किसके बीच होगा? 1 और 2 कार्बन के बीच। तब यहां पे देखिए आपको प्रोडक्ट क्या दिया है। कहने का मतलब क्लीवेज कहां पे हो रहा है? इस जगह पे हो रहा है, 1 और 2 कार्बन के बीच। तब आपको जो यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा, तब देखिए क्या होगा, जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इससे कितने कार्बन? 1 और 2 कार्बन का आप कार्बोजिलिक एसिड बनाइए, CH3 COOH। प्लस यहां से ब्रेक हुआ, इस साइड कितने कार्बन है? 1 और 2, तो 2 कार्बन का आप कार्बोजिलिक एसिड बना दीजिए, CH3 COOH। लेकिन कीटोन के केस में इस जगह पे भी ये ब्रेक हो सकता है, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बोथ साइड ये ब्रेक हो सकता है। तो अगर क्लीवेज होगा कहां पे? नंबर ऑफ कार्बन 2, 3 के बीच में, 2, 3 के बीच में। तो अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, कहां पे ये ब्रेक हो रहा है? इस जगह पे ब्रेक हो रहा है। तो इस साइड मेरा कितने, जब यहां पे ब्रेक होगा तो 1, 2, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का एसिड बना दीजिए आप, CH3 CH2 COOH। और यहां पे ब्रेक हुआ, इस साइड कितने कार्बन? 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का एसिड बनेगा, HCOOH। तो इस टाइप से जब हम लोग एक कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिक्सर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड मिलता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में ये ब्रेक हो सकता है। और इसलिए, और यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ आपको विगोरस कंडीशन लेना होगा, मतलब हाई टेम्परेचर लेना होगा, तभी ये रिएक्शन होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। हम लोग मेनली किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? एल्डिहाइड का। किसका करते हैं? एल्डिहाइड का। जैसे ध्यान दीजिए, एक एल्डिहाइड होगा, जैसे मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO। यहां पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, तो ये क्या होगा, कार्बोजिलिक एसिड में इजिली कन्वर्ट होगा, CH3 COOH। अब यहां पे जो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये 2 टाइप का होता है, कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहां पे आप ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं ये सब क्या होता है। जैसे मान लीजिए KMnO4, K2Cr2O7,
और क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये सब मेरा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या क्या होता है, ये होता है टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट, और नेक्स्ट होता है फेलिंग सॉल्यूशन। ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब यहां पे समझिए, मेनली इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन में इन्हीं दो को पढ़ने वाले हैं, टॉलेंस टेस्ट को और किसे, फेलिंग्स टेस्ट को। क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिंपल, अभी हम ये समझते हैं, क्योंकि माइल्ड है इसलिए कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, किस एल्डिहाइड को करेगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। मेनली यहां पे लेकिन हम लोग को क्या देखना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पढ़ना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉलेंस टेस्ट, ये है क्या। चलिए, अब यहां पे कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि टॉलेंस टेस्ट है और फेलिंग सॉल्यूशन है, कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट कि ये किसे ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को। तो याद कीजिए, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव इन कंपेयर टू कीटोन। इसलिए आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि ये माइल्ड होते हुए भी किसे ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड को। लेकिन किस किस एल्डिहाइड को, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप आते हैं टॉलेंस टेस्ट, इसे हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं टॉलेंस टेस्ट होता क्या है। ये एक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या होता है फॉर्मूला, AgNH3 का होल टू NO2 NO3 कीजिए। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन होता है। एक रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद इसे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एल्डिहाइड है, RCHO, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए हम लोग यहां पे टॉलेंस टेस्ट में, टॉलेंस रिएजेंट में सिर्फ और सिर्फ इसे लिखते हैं AgNH3 का होल टू और ये मेरा प्लस, ये मेरा क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है। ये जब भी रिएक्शन होता है बेसिक मीडियम में होता है OH-। अब यहां समझिए होता क्या है, ये जो एल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये होता है RCOO- प्लस, यहां पे Ag बनता है जो PPT बनता है, और यही Ag से कारण हम लोग इसे सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, उसे हम बाद में देखते हैं। प्लस यहां पे एक और प्रोडक्ट क्या देता है, अमोनिया NH3 प्लस वाटर H2। अब यहां पे आप इसे बैलेंस करना जरूर सीखें। अब बैलेंस कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए, सिंपल सा फंडा है, आप इसे ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3, आ जाइए, सिल्वर यहां पे कितना है, 2, तो यहां पे क्या होगा, 2। जब आप 2 Ag लिख रहे हैं तो वाटर में भी 2 लिखिए, और अमोनिया देखिए 2 2 जा 4, तो यहां पे क्या हुआ, 4 हुआ। अब देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है, कैसे हम बताएं आपको, 1 2 3, सिल्वर यहां पे कितना है, 2 Ag, तो यहां पे हम 2 दिए, अमोनिया देखिए 2 2 जा 4, तो यहां पे हम 4 दिए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, तो यहां पे 3 और 1 4 ऑक्सीजन, यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, यहां पे 2 हो गया, हाइड्रोजन खुद बैलेंस हो जाएगा। अब यहां पे समझिए होता क्या है, इस एल्डिहाइड में आप देखिए, ये एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन का क्या हुआ, एडिशन हुआ, या फिर बोल सकते हैं हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ एल्डिहाइड में, तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अगर आप देखें, जानते हैं अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये प्लस किस चार्ज, किस पे चार्ज है, सिल्वर पे, तो यहां पे इस पे प्लस चार्ज है, लेकिन ये प्लस चार्ज पे कहां पे गया, 0, इस सिल्वर पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पे चार्ज का डिक्रीज हुआ, इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन। तो ये मेनली रिएक्शन होता है टॉलेंस टेस्ट में। यहां पे जो हम लोग, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम लोग टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं
ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। मतलब आप रिएक्शन कराना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि टॉलरेंस रिएजेंट आप पहले से प्रिपेयर करके रखें और यहाँ पे यूज करें, नहीं, यहाँ पे आप जब रिएक्शन कीजिएगा उसी समय आपको बनाना होगा टॉलरेंस रिएजेंट, तब जाके ये रिएक्शन सही होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि ये एजी सिल्वर जो है पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग इसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, इसके वॉल पे सिल्वर डिपॉजिट होता चला जाएगा, इस टाइप से क्या होगा, सिल्वर डिपॉजिट होता चला जाएगा। जब आप इसे अपने इस सिल्वर डिपॉजिट होने के कारण जब आप इसमें अपना फेस देखेगा तो ये मिरर के जैसा दिखेगा, मतलब साफ आपका चेहरा इसमें दिखेगा, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो ये मेरा क्या था, टॉलरेंस टेस्ट। तो यहां पे आपको दो तीन बात नोट करके रखना होगा। फर्स्ट ये कि ये जो होता है टॉलरेंस टेस्ट कीटोन्स से रिएक्शन नहीं करता है। क्या करता है, कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है। देखिए ये सब बात आपको नोट करके लिखना होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक सफिशिएंट नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे, अभी नहीं किए लेकिन वहां पे एक नोट्स दिया रहेगा। क्या क्या आपको नोट करके रखना होगा, फर्स्ट कि ये जो होता है कीटोन जो होता है टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। सेकेंड, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये एल्डिहाइड दे रहा है, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि एल्डिहाइड मेरा क्या है, एलिफैटिक है या फिर एरोमेटिक है। तो हम बोल सकते हैं इट गिव्स एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या आपका एल्डिहाइड जो है एलिफैटिक है या एरोमेटिक है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास बेंजल्डिहाइड है CHO, आप इसे किससे रिएक्शन करा दीजिए, टॉलरेंस रिएजेंट से, क्या था एजी NH3 का होल 2 और यहाँ पे क्या था पॉजिटिव चार्ज था, प्लस किससे रिएक्शन कराना है बेसिक मीडियम में OH-, ये जब रिएक्शन करेगा तो ये बेंजल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, बेंजोइक एसिड में, तो C00-, प्लस यहाँ पे क्या होगा एजी का पीपीटी फॉर्मेशन होगा, प्लस अमोनिया NH3 प्लस वाटर। याद कीजिए बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या बताएं, कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, सिल्वर कितना है 2, तो यहाँ पे क्या देंगे 2, सिल्वर 2 दीजिए वाटर भी 2 दीजिए, अमोनिया कितना है 2, 2 जा 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। तो इस टाइप से टॉलरेंस टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है एसीटोन CH3 C double bond O CH3, ये दिया हुआ है एसीटोन, और दे दिया एसिटल्डिहाइड CH3 COH, बोल रहा है कि आप कैसे इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, टॉलरेंस टेस्ट यूज करेंगे। टॉलरेंस टेस्ट में क्या होगा, ये जो एसिटल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सिल्वर मिरर जैसा फॉर्म होगा। लेकिन ये एसीटोन क्या, एक कीटोन है, इसमें सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट जो होता है कीटोन नहीं देता है। समझ पा रहे हैं, तो ये मेरा कंप्लीट टॉलरेंस टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट था जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केस भी है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, अब हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक से आप आराम से, बोर्ड में कुछ नहीं छूटेगा, यहाँ तक जो भी आप पढ़े हैं सब आपका आ सकता है, यहाँ तक में मतलब बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाइएगा तो इससे कुछ हायर पूछता है, तो वहाँ पर क्या होता है समझिए। फर्स्ट पॉइंट वहाँ पर आप लिख सकते हैं, अभी हम क्या बताएं कि कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, दिस टेस्ट मतलब क्या, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है, टॉलरेंस टेस्ट। बट यहां पे आप लिख सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स दिस टेस्ट। कहने का मतलब क्या है समझिए, मान लीजिए आपके पास है CH3 C double bond O OH, यहां पे H है और ये CH3, देखिए ये है क्या, कीटोन है।
लेकिन ऐसा कीटोन हम लोग अल्फा कहाँ पे बोलते हैं, कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बाद वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो एक ऐसा कीटोन जिसके अल्फा पोजीशन पे अगर OH है तो ये टॉलेंस टेस्ट देता है। यहाँ पे अगर आप टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं, क्या टॉलेंस रिएजेंट, तब ये क्या करता है, प्रोडक्ट देता है CH3C OH, और यहाँ से H+ जाएगा। ध्यान दीजिए होता क्या, ये H+ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, और फिर ये H+ यहाँ पे जाता है, यहाँ पे कौन सा चार डेवलप होता है, जैसे H+ हमेशा H2 मॉलिक्यूल जो ब्रेक होता है, ये H+ और H- में यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो ये H+ निकला, तो यहाँ से H- निकलता है, तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O CH3 ये प्रोडक्ट देगा। तो ये क्या हुआ, डाइकीटोल, डाइकीटोन लिख सकते हैं इसको। तो इस टाइप से एक्सेप्शन हम क्या देखें कि कीटोन जो होता है टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है ये क्या देता है, टॉलरेंस टेस्ट देता है। नेक्स्ट हम यहां पे एक चीज और बोल सकते हैं, सेकंड पॉइंट में आप नोट करके लिख सकते हैं, क्या फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या, एच सी डबल ओ एच, सेकेंड पॉइंट क्या, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एच सी डबल ओ एच, ये भी टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है और यहां पे बनाता क्या है, सीओ टू एच टू ओ प्लस ए जी। तो ये क्या करता है, ये भी एक टेस्ट देता है। अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, सिर्फ एल्डिहाइड देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट देगा। नेक्स्ट यहां पे आप थर्ड पॉइंट ये भी नोट कर सकते हैं कि मान लीजिए थर्ड पॉइंट आपके पास अल्किन है, कैसा अल्किन, टर्मिनल अल्किन, यहां पे ध्यान दीजिए एच सी डबल, या फिर इस टाइप से लिखिए से एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये क्या है, टर्मिनल अल्किन है। तो यहां पे अगर आप टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं तो ये भी रिएक्शन करता है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, लेकिन यहां पे सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ रिएक्शन करता है। कंडीशन क्या है, टर्मिनल पे होना चाहिए, मान लीजिए इस टाइप का है सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस थ्री। अब यहां पे देखिए टर्मिनल अल्किन नहीं है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता है, समझ पा रहे हैं। इसी टाइप से फोर पॉइंट में आप लिख सकते हैं हेमी एसिटल सी एस थ्री एच, क्या था हेमी एसिटल, यहां पे क्या था ओ आर डैश और यहां पे ओ एस था, ये क्या है, हेमी एसिटल है, ये भी क्या करता है, टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है। तो इस टाइप से ये कुछ पॉइंट था कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से जो टॉलेंस टेस्ट का एक्सेप्शन होता है। तो मेरा कंप्लीट लेक्चर क्या था, टॉलेंस टेस्ट पे। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या फेलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फेलिंग टेस्ट या फिर फेलिंग रिएजेंट। ये हम लोग करके आ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का केमिकल रिएक्शन, किसके अंदर, ऑक्सीडेशन के अंदर। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जिस टाइप से हम लोग क्या देखें, एक टॉलेंस रिएजेंट भी क्या था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फेलिंग टेस्ट भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ये क्या होता है, ये टू इक्वल वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिक्सर होता है। कौन कौन सा होता है, फेलिंग्स ए, ये क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, जिसे हम लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट 5H2O, वाट 5 वाटर मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे, एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग्स बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट बोलते हैं। ये होता क्या है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इससे समझने के लिए आपको जानना होगा कि टार्ट्रिक एसिड होता क्या है। ध्यान दीजिए क्या है टार्ट्रिक एसिड, सी ओ एच, या फिर मान लीजिए आप एसिड बनाइए सी ओ ओ एच सी, यहाँ पे क्या है ओ एच सी ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये होता है टार्ट्रिक एसिड, क्या है टार्ट्रिक एसिड। यहाँ से H+ को हटा दीजिए, यहाँ पे Na दीजिए, यहाँ से भी H+ को हटा दीजिए, यहाँ पे क्या दीजिए पोटेशियम, तो अब ये क्या हो गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जो क्या कहलाता है रोसेल सॉल्ट कहलाता है। तो फेलिंग्स ए और फेलिंग्स बी के मिक्सर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट या फिर फेलिंग्स टेस्ट। तो ये होता क्या रिएक्शन में, चलिए हम लोग उसे करते हैं। रिएक्शन क्या होता है, एक एल्डिहाइड है R C
एच ओ प्लस हम लोग क्या लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसलिए यहाँ पे हम लोग इसे सिर्फ प्लस टू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कलर कैसा होता है ब्लू कलर होता है। क्या होता है ब्लू कलर। अब यहाँ पे आप समझिए ये जो फेलिंग टेस्ट भी होता है ये भी होता है बेसिक मीडियम में। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे OH माइनस। अब होगा का एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा एसिड में RC(OO- माइनस प्लस ये प्लस टू चेंज होता है क्यूप्रस ऑक्साइड में Cu2O और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो याद कीजिए हम लोग टॉलरेंस टेस्ट में क्या ट्रिक किए थे 1, 2, 3 लेकिन यहाँ पे क्या होता है 1, 2, 5 होता है। क्या होता है 1, 2, 5। आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना भी आना चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है इसलिए अच्छा है कि आप इसे एक बार याद कर लें। अब यहाँ पे देखिए है क्या 2 copper यहाँ पे 2 copper हो गया। अब आ जाइए आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे देखिए 5 oxygen, 1 oxygen, 6 oxygen इस साइड देखिए 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे तो ये क्या हुआ 3 हुआ तो 3 बाकी है तो यहाँ पे आप 3 दीजिए 3H2O तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। अब यहां पे जो ये बना ये होता है रेडिश ब्राउन पीपीटी। रेडिश ब्राउन पीपीटी अगर यहां पे ब्लू कलर से रेडिश ब्राउन पीपीटी में कन्वर्ट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं जो रिएक्शन कर रहा हो क्या है एक एल्डिहाइड है। इस रिएक्शन में हुआ क्या आप इसे समझिए। यहां पे देखिए ये एक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या हुआ एक ऑक्सीजन का ऐड हुआ या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो इसे हम क्या बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ एल्डिहाइड को। इसे किसने ऑक्सीडाइज किया तो आप यहाँ पे देखिए Cu+2। अब यहाँ पे इसमें आइए Cu2O यहाँ पे किस चार्ज में गया प्लस वन में तो प्लस टू से कहाँ पे गया प्लस वन में तो इसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ। क्या हुआ रिडक्शन। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि जो फेलिंग टेस्ट था किसे ऑक्सीडाइज किया एल्डिहाइड को। जिस टाइप से टॉलेंस रिएजेंट में क्या था टॉलेंस रिएजेंट भी किसे ऑक्सीडाइज करा था एल्डिहाइड को उसी टाइप से फेलिंग टेस्ट में भी जो फेलिंग्स रिएजेंट है Cu+2 किसे ऑक्सीडाइज कर रहा है एक एल्डिहाइड को। तो ये मेरा क्या है फेलिंग टेस्ट। आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे CH3CHO एसिटल्डिहाइड है आप इसे रिएक्शन करा दीजिए फेलिंग्स रिएजेंट से प्लस टू किसके प्रेजेंस में बेस में होता है ये तो 5 OH- यहाँ पे क्या होगा 1, 2, 5 तो फिर से देखिए ये किस में चेंज होगा एसिड में तो ये क्या बना CH3COO- प्लस यहाँ पे क्या बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O प्लस H2O यहाँ पे क्या होता है 3 और यहाँ पे 1, 2, 5 तो इस टाइप से ये रिएक्शन होता है। लेकिन इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना होगा क्या क्योंकि ये दोनों फेलिंग्स रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग तो ये दोनों कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का बात करें तो टॉलेंस टेस्ट जो होता है टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है इन कंपेयर टू फेलिंग। हम क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान दीजिए अगर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का बात करें किसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का तो यहां पे होता क्या है टॉलेंस रिएजेंट ये मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होगा एजेंट होगा इन कंपेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट। इसका मतलब यहां पे क्या है अब इसे आप समझिए दोनों कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड भी होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड भी होता है तो फेलिंग्स जो होता है फेलिंग्स रिएजेंट जो होता है इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम है तो इसलिए फेलिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए यूज ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए यूज होगा एरोमेटिक के लिए नहीं होगा। कहने का मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो फेलिंग्स रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड CHO। अब यहां पर देखिए यहां पर आप दोनों रिएजेंट को यूज कीजिए किसे टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग्स रिएजेंट को तो टॉलेंस रिएजेंट
एलिफेटिक को ऑक्सीडाइज कर देगा, चाहे वो एरोमेटिक है या फिर एलिफेटिक है। तो यहां पे ये क्या प्रोडक्ट देगा, सी डबल ओ माइनस और सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन क्योंकि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो ये फेलिंग्स रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। तो टू पॉइंट यहां पे आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट क्या, कीटोन डज नॉट गिव्स फेलिंग टेस्ट, और सेकंड क्या, एरोमेटिक एल्डिहाइड आल्सो डज नॉट गिव्स फेलिंग टेस्ट। समझ पा रहे हैं, ये दो पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए इस टाइप से आपका क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिटाल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में। मान लीजिए आपको दिया हुआ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बोले तो CH3CHO, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। और क्या, बेंजल्डिहाइड, मान लीजिए ये दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड। अब आपको बोला कि इन दोनों में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एल्डिहाइड है, लेकिन यहां पे क्या है, ये क्या है, एलिफेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है। तो दोनों को आप रिएक्शन किससे करा दीजिए, फेलिंग्स रिएजेंट से, किससे, फेलिंग्स रिएजेंट से। क्योंकि ये एरोमेटिक है इसलिए फेलिंग्स रिएजेंट से एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एसिटाल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज होगा, एसिड में, CH3COOH। और ये यहां पे क्या फॉर्मेशन करता था, CO2O प्लस, आप पूरा रिएक्शन लिखना चाहें तो H2O, और फेलिंग्स रिएजेंट क्या था, ध्यान दीजिए, आप इसे लिखना चाहें तो प्लस Cu+2, प्लस किसके प्रेजेंस में, बेस में होता है OH-। तो फॉर्मूला क्या था, 1, 2, 5, तो ये 2 हो गया, यहां पे क्या था, 3 था। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और एरोमेटिक नहीं करेगा। तो ये मेरा कंप्लीट लेक्चर था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन। हम लोग यहां पे क्या क्या कंप्लीट किए, फेलिंग्स टेस्ट और टोलेंस रिएजेंट।